राजाओं के राजा राजा कृष्ण देव राय पधार रहे हैं। वाह, क्या हवा चल रही है। सेनापति, क्या हुक्म है महाराज? उन कैदियों को पेश किया जाए जो बहुत समय से शहर में आतंक फैला के रखे थे। जो हुक्म महाराज, उठिए सेनापति। जी सेनापति। उन दो कैदियों को पेश करो जिन्होंने शहर में आतंक फैला के रखा था। जी सेनापति। महाराज, आप चलकर आराम करिए। महाराज, महाराज यही है वो दो कैदी। महाराज, हम बहुत समय से जनता को लूटते आ रहे थे। हम पहले भी कारावास का दंड भुगत चुके हैं। अब हमें अपनी भूल पता चल गई है। अब हम आपसे वादा करते हैं कि भविष्य में कभी भी अपराध नहीं करेंगे। हम आपसे विनती करते हैं कि हमें कारावास से मुक्त कर दें। अगर तुम दोनों आज की रात तेनाली रामन के घर में घुसकर बिना किसी को चोट पहुंचाए आभूषण चुरा कर ला सकते हो तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, लेकिन शर्त यही है कि तुम पकड़े न जाओ। ठीक है महाराज। महाराज, ये आपने क्या किया? अब तो मुझे कल सुबह का इंतजार है। महाराज, अगर आप वो चोरों को करके तेनाली रामन के घर में चोरी करवाएगा तो वो तो बर्बाद हो जाएगा। तेनाली रामन बर्बाद नहीं होगा। अब आप कल सुबह का इंतजार कीजिए और मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दें। जो हुक्म मालिक। चलो। अब देखता हूँ तेनाली रामन की चतुराई। राम हर रोज खाने से पहले हाथ मुंह धोता है, आज भी धोएगा। जब वो हाथ मुंह धो लेगा तो हम लोग चुपके से जाके सारे आभूषण चुरा लेंगे और फिर हम लोग कारावास से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है तेनाली राम, बस आशा ही होगा। अरे सुनती हो, बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को लाओ, तब तक मैं हाथ पैर धो लेता हूँ। खाना खा रहा है, कुछ देर बाद वह सो जाएगा। फिर हम लोग चुपके से जाके सारे आभूषण चुरा लेंगे और फिर हम कारावास से मुक्त हो जाएंगे। ठीक।
अरे सुनती हो? सुना है नगर में बहुत चोरियां हो रही है। एक काम करो, सारे आभूषण एक पोटली में बांध कर मुझे दे दो, मैं उसे बाग बने कुएं में डाल दूंगा। उसके बाद जब चोरों का आतंक दूर हो जाएगा तब हम उसे निकाल लेंगे। ये लीजिए सोने के आभूषण इसमें। धन्यवाद। चलो चलकर देखते हैं। पहले मैं जाता हूँ। ठीक है जाओ। अंदर कुछ मिला? नहीं, बहुत ढूंढा पर यहाँ पानी ऊपर से भरा हुआ है। तुम एक काम करो, किसी चीज में पानी लेकर मुझे दो, मैं उसे नीचे फेंक दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ कुछ ढूंढता हूँ। लो देखता हूँ। ये लो चला। नहीं, यहाँ पानी कम ही नहीं हो रहा। तुम एक काम करो, तुम ऊपर आ जाओ, मैं नीचे जाकर देखता हूँ। अरे वाह, चलो अब तुम भी बाहर आ जाओ। चलो देखते हैं इसमें सारे आभूषण है कि नहीं। अरे तेनाली राम ने हमें उल्लू बनाया। चलो इसको फेंकना पड़ेगा। अरे सुनती हो, तुम्हारे ही वजह से मेरे सूखे पौधे उगने लगे। कुछ और पौधे बचे हैं, उनमें भी पानी डाल दो। सैनिकों, इन्हें पकड़ के वापस कारागार में बंद कर दो। ये मेरे घर में आभूषण चुरा रहे थे।